नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राजकुंद्रा की डर्टी पिक्चर का खेल जोरों पर चल रहा था, करोड़ों की कमाई भी हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, सच को कितना ही छुपा लो, सच छुपाए नहीं छुपता है। कुछ ऐसा ही हुआ है राजकुंद्रा के साथ, और धीरे धीरे राज के काले कारनामों का राजफाश होता चला गया। लेकिन इस राजफाश के दौरान कई नाम सामने आए जो राज के पार्टनर इन क्राइम थे या फिर उसके शिकार। उसमें से एक नाम था जिसका कनेक्शन है भोपाल से। तो क्या इसका मतलब यह है कि राजकुंद्रा का कोई राजदार भोपाल का भी है? जी हाँ, और वो राजदार और कोई नहीं बल्कि गहना वशिष्ठ है। वही गहना जो कई महीने जेल में गुजार कर आई और अब भी राजकुंद्रा के सपोर्ट में बयान देती रही। ये गहना राज का गहना तो बन गई, लेकिन इनकी असली पहचान क्या है, इनका असली नाम क्या है? चकाचौंध की इस दुनिया में नाम बदलना, पहचान छुपाना कोई नई बात नहीं, लेकिन आखिर गहना का असली नाम क्या है? वो कैसे भोपाल से मुंबई पहुंची? क्या है गहना का डर्टी मूवीज से कनेक्शन? ये सब आज हम आपको बताते हैं। बड़ा पर्दा हो या फिर छोटा, भोपाल ने इंडस्ट्री को कई स्टार्स दिए, और ऐसी एक एक्ट्रेस और मॉडल है वंदना वशिष्ठ, जो बड़े और छोटे दोनों पर्दों पर काफी नाम कमा चुकी है। वो बात अलग है कि हम और आप उन्हें गहना के नाम से जानते हैं। वंदना का जन्म छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में हुआ, शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की, उसके बाद भोपाल आ गई। भोपाल के ऑल सेंट कॉलेज से उन्होंने रोबोटिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। एक ब्राह्मण परिवार में पली बड़ी, उनकी माँ डॉक्टर और पिता सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साथ ही उनके एक बहन और दो भाई हैं, उनकी दादी स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। वंदना का परिवार काफी पढ़ा लिखा है और खुद वंदना भी, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में एंट्री करते ही मानो उन्हें पर लग गए और कुछ फैशन शोज, फिर कर लिया उन्होंने मुंबई का रुख। 2012 में वंदना तब चर्चाओं में आई जब उन्होंने मिस एशिया बिकनी का ताज जीत लिया। लेकिन ये गहना कैसे राज की राजदार बन गई, ये भी आप सुन लीजिए। वेब सीरीज के दौर में गहना बोल्ड सीन्स में फिट होने लगी और खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अश्लील फिल्मों से जुड़े आरोपों के चलते उन्हें फरवरी में गिरफ्तार कर लिया गया। गहना जेल से बाहर तो आ गई, लेकिन जब राजकुंद्रा की गिरफ्तारी हुई तो एक बार फिर से गहना का नाम लाइमलाइट में आ गया। और तो और गहना राज को सपोर्ट करने लगी और बोला कि कोई पोर्न फिल्में नहीं बनाता। अब इस मामले को लेकर गहना वशिष्ठ जेल से भले ही बाहर आ गई हो, लेकिन उनके बयान उन्हें फिर से सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।